हेलो दोस्तों, नारायण सुमित क्लासेज वेलकम्स यू इन आवर डाउट क्लास, जहां पर हम लोग अपनी छोटी छोटी डाउट को क्लियर करते हैं। बहुत कुछ ऐसा है, कई रूल ऐसे हैं जिनका हम बार बार यूज करते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं उस रूल को, बट वो रूल कैसे बना, उस रूल को एक बनने का रीजन क्या है, प्रोसेस क्या है, इस पर कभी हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। तो वहीं पर जहां आप नहीं देते हैं ध्यान, वहीं पर आपका ध्यान दिलाने के लिए आया हूं मैं। तो आज आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप सब ये जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? शायद बहुत कम। तो आज मैं बताता हूं आपको कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 क्यों होता है। इसके लिए हम लोग बनाने वाले हैं एक ट्रायंगल और उस ट्रायंगल को देने वाले हैं नाम। ट्रायंगल को नाम दे दिया गया ए बी सी। अब ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम हमें करना है फाइंड। तो ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करने के लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक रचना करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, और वो कंस्ट्रक्शन होगा हमें ए से पास करने वाला एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो बीसी के पैरलर हो। कंस्ट्रक्शन है, हमें बीसी के पैरलर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ए से पास करे, और अगर ये एंगल है एक्स, ये एंगल है वाई और ये एंगल है जेड, तो एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। आप ये सब जानते हैं, मतलब इस रूल को लेकर कि किसी लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। हम ये प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 180 180। तो कैसे? जब दो लाइंस पैरेलल हो, समांतर हो, और कोई ट्रांसवर्सल उनको दो जगह इंटरसेक्ट करे, कट करे, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। जब दो लाइंस को जो कि पैरेलल हो, कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण इक्वल होते हैं। तो यहां पर ये दोनों लाइन है पैरेलल, क्योंकि हमने जानबूझकर इनको ड्रॉ किया है पैरेलल, ये प्रूव करने के लिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। अब हम इन दोनों एंगल को कर देंगे सेम, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट एंगल होंगे इक्वल। अब देखिए ये जेड, तो ये भी जेड, क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल और ये हो गया ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो आप जानते हैं कि किसी भी लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू होगा 180, और एक्स वाई जेड ही ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 180 180 180। ये थी आज की डाउट। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।